नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड व्हाट इज इज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी. इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी शो दैट ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी एबीपी कॉन्ग्रुएंट एसीपी एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी AB is perpendicular bisector of BC. सबसे पहले गिवन लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. उसके बाद जो हमें टू प्रूफ करना है चारों पार्ट्स लिखेंगे. मैं प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ. एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है हमें. अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबी इज इक्वल्स टू एसी एबी इज इक्वल्स टू एसी डीबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बीडी इज इक्वल्स टू सीडी. डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं. कौन सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? एबीडी एंड ट्राइंगल ए सी डी. दोनों ट्राइंगल लेंगे ए बी डी ए सी डी. अब इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ये तो गिवन है हमें. गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. बी डी इज इक्वल्स टू सी डी ये भी गिवन है. और दोनों ट्राइंगल्स में ए डी कॉमन साइड है. एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए एबी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. बीडी इज इक्वल टू सी डी गिवन है. दोनों ट्राइंगल्स में एडी कॉमन आ गया. सो बाय एस 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 कांग्रेस रूल बाय एस 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 कांग्रेस रूल ट्राइंगल एबीडी कांग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1 बाय सी पी सी टी. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल के एंगल बी ए डी और सी ए डी इक्वल होंगे. दिस एंगल एंड दिस एंगल ये इक्वल है. अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. अब हम ट्राइंगल एबी सेकेंड पार्ट के लिए ट्राइंगल ली एबीपी एंड एसीपी इसमें एबी इज इक्वल्स टू एसी गिवन है. एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू एंगल सीएडी यूज इक्वेशन 1. एपी कॉमन साइड है यहाँ पे. एबी और एपी एंगल बीएडी इंक्लूडेड एंगल है. एसी और साइड एपी एंगल सीएडी भी इंक्लूडेड एंगल है. सो बाय एसएएस कांग्रेस रूल ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एसीपी. सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे सो एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी बाय सी पी सी टी. और अगर बी ए पी और सी ए पी एंगल इक्वल है डेट इज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए. यहां तक क्या थर्ड पार्ट का भी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए. अब हमें ये प्रूफ करना है कि एपी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. यहां तक क्या नोट कीजिए. यहां तक पहले हमने ट्राइंगल एबीडी और एसीडी लिया. दो साइड्स इक्वल थी थर्ड साइड कॉमन तो एस 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 कांग्रेस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल. सेकेंड जो प्रूफ करनी है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बोली गिवन है. एंगल हमने यहाँ पे प्रूफ किया इक्वल है. एक साइड कॉमन है एंगल इंक्लूडेड है. सो एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गई. अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ये एंगल इक्वल आ गए
बीएपी और सीएपी, इट मींस एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट करेंगे, हमने प्रूव किया एपी बाइसेक्ट एंगल ए। नाउ हमें प्रूफ करना है कि एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी बाय सीपी सीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैं एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीपी 180 लीनियर पेयर बन जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। नाउ ये कंप्लीट लीनियर पेयर बनेगा और ये पूरा लीनियर पेयर बनेगा, तो एंगल ए डी बी प्लस बी डी पी 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए डी सी प्लस एंगल सीडीपी 180 डिग्री लीनियर पेयर। हमने वन इक्वेशन ली थी, नाउ ये हो गई इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेट इक्वेशन टू एंड थ्री, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। एडीपी प्लस बीडीपी इज इक्वल्स टू एडीसी प्लस सीडीपी, यहां तक क्लियर? नाउ यहां पे हमने लिखा है एडीबी और एडीसी इक्वल है, एंगल एडीसी की जगह हमने लिख दिया एडीबी बिकॉज एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी। एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीपी ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, एंगल बीडीपी एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। अगर बीडीपी और सीडीपी इक्वल है डेट इज डीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। डीपी या मैं कंप्लीट कह दूं एपी, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो एपी bisects angle A as well as angle D। अभी मैं फर्स्ट से थर्ड पार्ट तक दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले हमने ABD और ACD को congruent प्रूफ करना है। AB is equals to AC given है, BD is equals to CD given है, AD common side है, by SSS congruence rule दोनों triangles congruent हो गई। अगर दोनों triangles congruent है तो angle BAD और CAD भी equal होंगे by CPCT। उसके बाद सेकेंड पार्ट में ABP और ACP, AB is equals to AC given है, एंगल बी एडी इज इक्वल टू एंगल सी एडी हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया, एपी कॉमन साइड है तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इट मीन्स एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एडीबी एंड एडीसी इक्वल होंगे। ये कंप्लीट लीनियर पेयर बन रहे हैं दोनों तरफ, तो एंगल एडीबी प्लस बीडीपी 180 डिग्री लीनियर पेयर, एडीसी प्लस सीडीपी 180 डिग्री लीनियर पेयर। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। एडीबी और एडीसी दोनों एंगल्स इक्वल है, कैंसिल हो गए। BDP और CDP इक्वल आ गए, इट मीन्स DP जो है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँ DP बाइसेक्ट कर रहा है तो AP भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां तक नोट कीजिए।
नाउ फोर्थ पार्ट के लिए करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एंगल एपीबी और एपीसी 90 डिग्री भी हो और बीपी इज इक्वल्स टू बीसी। सो ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एसीपी, ये हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ कर दिया है, ऑलरेडी प्रूफ। सो यहां से साइड बीपी इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीपी सीटी, ये क्लियर हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ये भी बाय सीपी सीटी। अब अगर मैं देखूं ये वाला कंप्लीट एंगल, ये भी लीनियर पेयर बना रहे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी 180 डिग्री, टू टाइम्स एंगल ए पी बी इज 180 डिग्री। सो एंगल ए पी बी 180 अपॉन टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इट मींस ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी बी सी के परपेंडिकुलर आ गया। एंड बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, दैट इज पी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, पी बाइसेक्टर है बीसी का और एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, दैट इज एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यही हमें प्रूफ करना। एक बार चारों पार्ट दोबारा से बता रही हूँ, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। एपीडी और एसीडी सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है हमें। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, एक साइड ए डी कॉमन आ गई, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल से, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से एंगल इक्वल है, बी ए डी और सी ए डी, यहाँ इसे हमने दिया था इक्वेशन नंबर वन, यहाँ तक हुआ। सेकेंड हमें ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी ए डी और सी ए डी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया इक्वल है, ए पी इन दोनों में कॉमन है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल कॉन्ग्रेंट होगी। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसमें एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए, यहां तक क्लियर। नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि ए पी डी एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। हमने देखा ये कंप्लीट लीनियर पेयर बन रहा है, ये भी कंप्लीट लीनियर पेयर बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी पी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी पी, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है 180, लेफ्ट भी इक्वल रखेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, तो एंगल ए डी बी और ए डी सी भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, दोनों को इक्वल रखा तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। इट मीन्स डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, अगर डी पी बाइसेक्ट कर रहा है तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ए पी बाई सेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यहां तक प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हमें शो करना है ए पी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी, तो परपेंडिकुलर भी है और बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स बी पी इज इक्वल टू बी सी भी हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, बाई सी पी सी टी साइड इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए पूरा एंगल बन रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल इक्वल है, हमने इक्वल रखा, यहाँ से एपी भी आ गया 90 डिग्री, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये दो साइड्स इक्वल हमने प्रूफ किए सीपीसीटी से, परपेंडिकुलर भी है और बीपी इज इक्वल टू सीपी भी है, देयरफोर एपी इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट